बांदा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। पुलिस अधीक्षक कार्यालय फरियाद लेकर पहुंचे दिव्यांग बुजुर्ग की बात सुनने अपने कार्यालय से उठकर गेट पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा। दिव्यांग बुजुर्ग ने बेटों द्वारा खाना ना देने और मारने पीटने की बात अपर पुलिस अधीक्षक से रो रो कर बताई। अपर पुलिस अधीक्षक ने बेटों से प्रताड़ित दिव्यांग बुजुर्ग की बात सुन संबंधित थानाध्यक्ष को जरूरी कार्रवाई के दिए निर्देश। अपर पुलिस अधीक्षक ने चलने फिरने में असमर्थ दिव्यांग बुजुर्ग को पुलिस वाहन से भिजवाया उसके घर। अतर्रा थाना अंतर्गत गुमाई गांव का रहने वाला है फरियादी दिव्यांग बुजुर्ग सिपाही लाल। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। आए थे आज समस्या लेकर, क्या समस्या थी और किस थाना क्षेत्र का मामला था? एक ग्राम गुमाई थाना अतर्रा के थे, उनका कहना था कि हमारे बच्चे हमको खाना पीना नहीं देते हैं, देखभाल नहीं करते हैं। कल उनकी समस्या को अटेंड किया गया है और उनको घर भिजवाया गया है और थाना अध्यक्ष को निरीक्षित किया गया है कि इसमें उनके बच्चों को बुला करके और ये इंश्योर कर लें कि देखभाल हो और उनको खाना।